जंतर मंतर पे कुश्ती पहलवानों के प्रदर्शन का सातवां दिन है और कल सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान लेने के बाद ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ सीपी के पुलिस स्टेशन में एफआईआर भी दर्ज कर लिया गया। एफआईआर दो एक्ट के तहत दो मामलों में दर्ज किया गया है। पहला जो बालिक जो लड़कियों ने आरोप लगाया था उनके तहत और दूसरा पॉक्सो एक्ट के तहत जो नाबालिग लड़की थी उसके तहत। मैं आपको एक बार तस्वीरें दिखाऊँ तो आप देखिए सुबह का वक्त है और यहीं पर सारे पहलवान आपको नजर आएंगे। आज कई पोस्टर भी जारी किए गए हैं। कल भी ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ कुछ पोस्टर जारी किए गए थे पहलवानों के द्वारा और आज आप सामने जो बड़ा सा पोस्टर लगा है उस पर तस्वीरें लगाइए तो बेटी बचाओ कुश्ती बचाओ ब्रजभूषण को भगाओ, वंदे मातरम के साथ सच की लड़ाई के लिए पहलवानों का महासंग्राम कुश्ती फेडरेशन के अध्यक्ष ब्रजभूषण के खिलाफ। तो देखिए ये पोस्टर लगाया गया है जंतर मंतर पे, 23 अप्रैल से जंतर मंतर पे धरना प्रदर्शन ये भी मेंशन किया गया है और ये पहलवान संघर्ष समिति। साथ में आप अगर दूसरी तरफ पोस्टर देखेंगे तो आपको यहाँ पर आपको इस पेड़ के साथ पोस्टर दिखाऊं तो आप एक बार इस पोस्टर पर नजर डालिए तो यहां पर आपको कुल 38 धाराएं नजर आएंगी। आप अगर देखें तो ये भी ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ जो पोस्टर पहलवानों के द्वारा जारी किया गया जिसमें कुल 38 धाराएं हैं। किस पुलिस स्टेशन में कौन सी धारा उनके खिलाफ लगाई गई है, क्या मामला है, जैसा आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि क्या कुछ मामला के खिलाफ उन पर एक्ट लगाया गया है, क्या कुछ धाराएं हैं, कहां कहां लगे, जैसे आप देखिए यूपी गैंगस्टर एक्ट है, आर्म्स एक्ट है और कौन से पुलिस स्टेशन में है ये भी लिखा गया है, कौन सा थाना है, जैसे अयोध्या का जिक्र किया गया है, आप देखिए जन्मभूमि राम जन्मभूमि का जिक्र है। तो ऐसे में आज एफआईआर दर्ज करने के बावजूद पहलवानों का ऐसा कहना है कि जब तक ब्रजभूषण सिंह को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, जब तक वो जेल नहीं जाते तब तक इनका यूं ही प्रदर्शन जारी रहेगा। और कल शाम को भी पहलवानों ने आरोप लगाया है कि देर शाम उनकी बिजली काट दी गई, उनको खाना पानी लाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ा और ऐसे इल्जाम कई बार पहले भी लगा चुके हैं। अब देखना है कि इसमें आगे क्या कार्रवाई होता है और कब तक ये धरना प्रदर्शन यूं ही जारी रहता है। कैमरा पर्सन जितेंद्र सिंह के साथ मेघा उपाध्याय, एबीपी न्यूज़, दिल्ली।